हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम आगे अपनी स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर की नेक्स्ट सीरीज लेके एंड विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे ऋषभ पंत के बारे में, ही इज बीन इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, इनको मिला है। सेकंड, हम कुछ न्यूज स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म कवर करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं। थर्ड, हम कल्चर के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे जो एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर ने एक विजिट करी थी उस रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, करंट अपना कल्चर के रिगार्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सेंटेनरी ऑफ श्री ननकाना साहब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ननकाना साहब के बारे में और इसका जो कल्मिनेशन ऑफ जो SGPC एक्ट हुआ था वो कैसे हुआ था और ये कैसे इंपॉर्टेंट है इवेंट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऋषभ पंत विंस ICC इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है, ऋषभ पंत को। किसके लिए, इंडियाज विकेट कीपर एंड बैट्समैन ऋषभ पंत वन ICC इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑन February 9, 2021। तो इनको 9 February 2021 को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इंग्लैंड जो रूट एंड आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग वर ऑल्सो इन द रेस, मतलब ये लोग भी कंसिडर किए गए थे इस अवार्ड के लिए, बट मिला किन को है, मिला है ऋषभ पंत को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही गॉट द ऑनर फॉर हिज हीरोइक्स एंड ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस इन इंडियाज टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन January 2021। तो इनको इस चीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे हम कुछ टर्म्स करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे। 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, हम ये किसको कहते हैं, हम ये कहते हैं लियोन मिंडोनका, इनका नाम है लियोन मिंडोनका, ही इज़ द 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अडजड्ड मैन ऑफ द सीरीज इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2020-2021, कौन थे ये, हिज नेम इज पैट क्यूमिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, जुवेंटस एथलेटिक बिल्बोआ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर फेमस स्पोर्ट्स क्लब्स एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ठीक है, आगे देखते हैं, कैरोलिना मारिन विक्टर एक्सेलसन एंड एंगस लॉन्ग आर फेमस प्लेयर्स ऑफ, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये प्लेयर्स किससे एसोसिएटेड हैं, तो दे आर एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, कई बार ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है ड्यूरेंट कप के रिगार्डिंग, तो एक बार इसको भी देख लेना, ड्यूरेंट कप संतोष ट्रॉफी एंड आई लीग कप आर इंडियन स्पोर्ट्स इवेंट्स रिलेटेड टू, आंसर इज फुटबॉल। तो ये चीज़ है, ये कई बार ड्यूरेंट कप का तो क्वेश्चन रिसेंटली भी आया था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड रबर पिक्चर एंड होम रन आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद। ठीक है, दीज आर द टर्म एसोसिएटेड विद बेसबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज जम्बो। ठीक है, तो जम्बो हम किनको बुलाते हैं, ये है मिस्टर अनिल कुंबले, तो ही इज ऑल्सो नोन एज जम्बो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने कल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, 900 ईयर्स ओल्ड एशियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वॉज रिसेंटली अनअर्थ बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन वेयर इट इज इन सितागढ़ी हिल्स हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड में 900 ईयर्स ओल्ड एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली है, इसमें क्या है, इट इज़ अ 10th century स्ट्रक्चर। ठीक है, 10th century का स्ट्रक्चर है, रिजेम्बलिंग अ स्मॉल बुद्धा विहार। ठीक है, बुद्धा विहार क्या होता है, बुद्धिस्ट श्राइन कम मोनेस्ट्री। ठीक है, इसमें ये था, डिस्कवरीज अराउंड द साइट, हमें साइट के आसपास क्या मिला हम वो देखते हैं। ठीक है, 4 statues ऑफ डाइटी तारा। ठीक है, 4 statues ऑफ डाइटी तारा, ये किस मुद्रा में है, दीज इन वराधा मुद्रा। वराधा मुद्रा क्या होती है, जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ बूंस। सो वराधा मुद्रा इज डिस्पेंसर, जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ बूंस। ठीक है, अगला क्या स्टैचू मिला है, 6 statues ऑफ द बुद्धा इन भूमि स्पर्शा मुद्रा। ठीक है, भूमि स्पर्शा मुद्रा में बुद्धा के वो मिले स्टैचू मिले हैं। भूमि स्पर्शा मुद्रा क्या होती है, जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग 5 fingers ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द अर्थ सिंबलाइजिंग द बुद्धास एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो इनको ये वाली फिगर्स मिली हैं, कितने नंबर में, 6 in number। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ द स्टैचू ऑफ डाइटी तारा शोज दैट द रीजन वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वज्रयाना किससे रिलेटेड है, तांत्रिक बुद्धिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नागरी स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट, इट इज प्रीवियस वर्जन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट ऑन अ तारा स्टैचू वॉज ऑल्सो फाउंड। ठीक है, अगला देखते हैं, स्कल्पचर सिमिलर टू,
sculpture similar to Shaivite deity Maheshwari with a coiled crown and chakra indicates cultural assimilation in the area. ठीक है, तो बुद्धिस्ट साइड में क्या क्या मिला है इनको, शेवाइट जो है डाइटी मिली है, उसका क्या रिप्रेजेंट क्या हो रहा है कि वहाँ कल्चरल असिमिलेशन भी था, मतलब बिसाइड्स बुद्धिस्ट लोग कल्चरली जो शेवाइट लोग जो मानते थे शैविज्म को वो भी वहाँ मिले हैं. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं बच्चों. प्राइम मिनिस्टर मेड विजिट टू शिव सागर जरंगा पोथर इन असम. ठीक है, विच हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू अहोम किंगडम. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां विजिट किया था और इनका अहोम किंगडम से सिग्निफिकेंस है. तो लेट्स रीड न्यूज क्या कहती है. न्यूज कहती है शिव सागर, ठीक है, शिवा सागर, दैट इज प्रिसाइडली शिवा सागर, फॉर्मली नोन एज रंगपुर, वॉज द सीट ऑफ द पावरफुल अहोम डायनेस्टी. ठीक है, अहोम डायनेस्टी की एक पावरफुल सीट थी. Who ruled Assam for 6 centuries, that is 1228 to 1826. तो अहोम डायनेस्टी जड़ी थी, उसने यहाँ पे रूल किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है. जरंगा पोथर इन शिवा सागर टाउन इज पॉपुलरली कनेक्टेड टू द वेलर ऑफ 17th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस. क्या नाम है उनका, जोयमती. शी वॉज द वाइफ ऑफ अहोम प्रिंस गदापानी. ठीक है, तो ये अहोम किंगडम के बारे में थोड़ी सी न्यूज है. अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. Recently, the centenary of, मतलब उसको 100 साल हो चुके हैं, ननकाना साहब मैसेकर, popularly known as साका ननकाना साहिब, was marked. This agitation was a big leap in the Gurudwara Reform Act. ठीक है, तो इसको 100 साल हो गए थे, तो recently ये news में था. इसके regarding हम पढ़ेंगे कि क्यों ननकाना साहब important है या क्या मैसेकर में क्या act हुआ था. ठीक है, ननकाना साहब मैसेकर के बारे में हम पढ़ेंगे. Let's see. In February 1921, a band of more than 100 Sikhs were brutally killed by Narayan Das, that is the Mahant of Nankana Sahab. ठीक है, तो 100 सिख हैं वहां मारे गए थे. ठीक है, and his army. ठीक है, the birthplace Nankana Sahab क्या है, it is the birthplace of Guru Nanak Dev Ji. ठीक है, अगली क्या न्यूज, अगला क्या है इसमें. The news of this Holocaust shocked the country and to hail this non-violent resistance by Sikhs of the Indian National Congress, they also protested and Indian National Congress ने क्या किया, they passed a resolution in the Gaya session in December 1921. तो उन्होंने भी इस चीज को अपोज किया. इसका आगे क्या culmination होता है, इसके culmination में SGPC के act बनते हैं. Let's see further क्या कहते हैं. Further है SGP formed its own probe. ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने अपना एक own, इन्होंने एक अपनी तरफ से एक investigation की and asked महात्मा गांधी to be a part of it. ठीक है, तो SGPC ने महात्मा गांधी को भी इस चीज में इनकलकेट कर लिया था. ठीक है, SGP passed a resolution. Besides Indian National Congress, SGPC ने भी resolution pass किया था and decided to support the non-cooperation movement. So that is why Sikhs were also a part in it. ठीक है, being run by महात्मा गांधी. Obviously इन्होंने महात्मा गांधी को approach किया, ये उनके साथ जुड़े थे. अदर कैंपेन्स लाइक आगे जो कैंपेन्स हुए थे जिन्होंने कल्मिनेशन ऑफ एसजीपीसी एक्ट के लिए हुआ था, वो है अदर कैंपेन्स लाइक गुरु का बाग मोर्चा, जैतो मोर्चा एक्सेट्रा वर आल्सो हेल्ड व्हिच लेड इन द कल्मिनेशन ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ गुरुद्वारा एक्ट 1925. ठीक है, आगे क्या है गुरुद्वारा एक्ट के बारे में देख लेते हैं. द गुरुद्वारा एक्ट 1925, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली पास्ड गुरुद्वारा एक्ट 1925 मेकिंग एसजीपीसी अ डेमोक्रेटिक बॉडी फॉर बेटर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन सिख गुरुद्वारा. मतलब सिख गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे वहाँ के मंत्री ने थोड़ी सी अपना मतलब धक्का किया था उन लोगों के साथ, तो उसके कारण उन्होंने SGPC बना दी थी कि अब ये गुरुद्वारा मैनेज करेंगे. ठीक है, दिस एक्ट इनेबल्ड SGPC टू कंट्रोल ऑल द हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज एज वेल एज गुरुद्वाराज अंडर सेक्शन 87 ऑफ दिस एक्ट. तो एक सेक्शन 87 के एक्ट की इन्होंने डिफाइन करके इनको गुरुद्वारा का कंट्रोल दे दिया था. ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बींग विद अस. थैंक यू.